है जी पुरानी दिल्ली की पैदाइश देखिए। अरे मुझे है ना, अरे आप आना आपको मैं खिलाऊंगा। मीठी है? अच्छा जलेबी मीठी हो गई। तो अब ये खिलाने मुझे ये लाया था, लेकिन मैं खिला रहा हूँ इसको, मुझे पता है जगह। चल वो ऊपर नीचे वाली दुकान पे चलते हैं। ये है तौहीद, मैं तो पुनीत ही हूँ, मेरे को तो आप जानते ही हो। तो आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक दरियागंज के रास्ते से, ये दरियागंज के कॉलेज में पड़ता है। और इसने मेरे को कहा है कि सिर्फ नॉन वेज नहीं अच्छा मिलता, वेज भी अच्छा मिलता है। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा। तो मैं ये तो देखो कॉलेज से भी लुटा पिटा आया, मैं उठा हूँ, मेरा चेहरा देखो कितना उठा हुआ है। इसका भी देखो बेचारे का काम काजी का, हम बेलो का देखो कैसा चेहरा। तो हम कुछ खाने जा रहे हैं, ये खिलाएगा हमें, क्योंकि ये रहता ही यही है, पूरा ऐसे घूमता रहता है ये। मेरे को कह रहा है पराठे वाली गली गए हो? मैं कहा हाँ। कह रहा है चलो मुझे ले चलो, तेरे चक्कर में तो मैं चांदनी चौक आया हूँ, ऐसी चीजें दिखाना चाहता हूँ जो लोग नहीं जाते खाने ऐसी जगहों पे। अब वो तेरा काम है तो ढूंढ के बताओ, लड़ाई हो गई लड़ाई। ओ लड़ना नहीं, मार दिया। तो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ढूंढ के कुछ बताते हैं। अच्छा दो तीन आइटम तो कवर करेंगे ही पक्का। यहाँ कोई कुलचे वाला है, मैंने बहुत सुना है, अभी उसके बाद जा रहे हैं। कुलचे वाला भी ये तो सबने खाया ही होगा। और जलेबी देना मुश्किल काम तो है यहाँ पे थोड़ा सा। ये लो 90 रुपए प्लेट। बहुत पैसा है भाई के पास। ये हमारी जलेबी आ गई है, आप देख सकते हैं कितनी थिक है। अब ये हमारी जलेबी चल रही है, अब इस पर रबड़ी लगने वाली है। ये हमारी जलेबी है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर है, और टेस्ट करके आप हमें बताएंगे कैसी है। जलेबी तो नॉर्मली है पर मोटी है। तो ये मीठी है? अच्छा जलेबी मीठी हो गई। तो ये कह रहा हूँ चांदनी चौक आओ तो मत खाना, है ना, प्लीज मत खाना इसे। तो अब ये खिलाने मुझे ये लाया था, लेकिन मैं खिला रहा हूँ इसको, मुझे पता है जगह। चल वो ऊपर नीचे वाली दुकान पे चलते हैं। उस पर द मोस्ट फेमस दुकान ऊपर नीचे वाली, श्री बालाजी चाट भंडार, गोलगप्पे और नीचे क्या है भैया? कांजी वड़ा है, कांजी वड़ा खिलाओ हमें। कांजी वड़ा एक राजस्थानी डिश है, विच इज नॉट अ डिश, इट इज अ ड्रिंक हियर। क्योंकि आपने कभी पीनी है आप पीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। जलजीरा में गरम मसाला मिला दिया। बढ़िया है ना? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आप पियो। बहुत ही स्ट्रांग और अच्छी लगी, जैसे राजस्थान में मिलती है बीकानेर में, बिल्कुल उसकी जैसी तो नहीं है, बट गुड स्टफ है, गुड स्टफ। ये देखिए ये कुलचे वाला ढूंढ रहा है, ये पांच पांच चीजें खिलाऊंगा ऐसी। वेजिटेरियन में भैया, वेजिटेरियन में लाइन लगती है हमारे यहाँ। लड़ रहे हैं कुलचे के लिए? हाँ भाई कुलचे की लड़ाई हो रही थी। इसने मेरे को बोला कुलचे वाला है, वो भल्ले वाला था, अब ये बहुत परेशान है क्योंकि अब कोई कुलचे वाला है नहीं। क्या पूछेगा इनसे भैया? बहुत अच्छे आदमी थे यार, अपने आप को फेमस वाला निकाला ना भाई, हमने कुलचे वाले से कुलचे वाले का एड्रेस पूछा है, बहुत गलत बात है। अगर या तो वो बहुत अच्छा है या वो बहुत ही कमीना है, उसने हमें धोखा दिया। आ गया, यहाँ पिटाई हो रही है बंदे की किसी की। नहीं अच्छा बर्फ तोड़ रहे। नहीं मिला तो तू मुझे ज्वेलरी दिलाएगा। अरे आर्टिफिशियल में जो बोलोगे वो। मेरे को कह रहा है भागीरथ प्लेस चलते हैं, लाइटें लेनी है मेरे को भी अपने लिए। वेद प्रकाश का लेमन पीने जा रहे हो? हम कर देंगे, सिर्फ लेमन बेचते हैं, क्या बात है। 25 रुपए का ग्लास है, कृपया पहला पैसे दें। सॉरी भैया हमने दिए नहीं। अच्छा वो ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है क्या होगा, स्वाद कितना अच्छा है, क्योंकि ये तो स्लो पीता है, मैं काफी तेज पीता हूँ। बराबर इसके अंदर सिल्ली चौक की रिक्शे की सवारी करने वाले हैं हम, क्योंकि कुलचे का तो जिसने धोखा दिया है। जरा सी आ गया ना, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं मिल गया है। गोल दी हट्टी भैया, कैश कहाँ देना है? अमित क्या कह रहा है, पूछ पच्ची देगा नहीं, अंदर बैठ जाते ना। हाँ
जिस तरीके से अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है मुझे। ये जी कुलचे, ये आगे छोले, छोले मेरे को घर वाले लग रहे हैं और अब जाके ये आराम फील कर रहा है कि इसको लग रहा है कुलचे मिल गए। तो मेहनत से खा के देखते हैं कैसे हैं। देखिए वीडियो के चक्कर में छोटी गिराई लेते हुए। हाँ जी हाँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ नॉन वेज ही सही है। नहीं बहुत ही अच्छा अंकल था आपका खाना, थैंक यू सो मच एंड द वाइब इज अमेजिंग यहाँ पे। कितने बजे तक कहते हैं? मैक्सिमम आठ बजे। थैंक यू सो मच। अगली बार मीठा भी खाएंगे। तो नॉर्मली था लेकिन अंकल बहुत प्यारे थे तो मैंने सोचा अंकल को थोड़ा एक्नॉलेज करें कि आपका खाना अच्छा है। दैट्स इट, खाना नॉर्मली है। और एक रोज सोडा। ये है जी रेड वाला गुलाब का रस और ये है शिकंजी नॉर्मल और ये बहुत अच्छा है। ये गुलाब खसखस टाइप है, अच्छा है ये। और ये भी, ये उससे अच्छा है जो हमने लास्ट पिया। तो हमने वो पहले नींबू छोटा पिया उससे बेटर है, अब मैं वो भी पीऊँगा। अच्छा है, आगे और जा रहे हैं, देखते हैं। खान ऑमलेट जाएंगे शायद। एक ऑमलेट गेनिंग पे है तो और कितनी गेनिंग करूँ, 25 किलो बढ़ा लिया। हम आए हैं द मोस्ट फेमस खान ऑमलेट कॉर्नर पे, ऑमलेट बनने जा रहा है, वो खाएंगे। फूड ब्लॉगर नहीं है पर हम जगह जाके वो जहाँ की पॉपुलर जगह दिखाना हमारा फर्ज है, वो हम दिखा रहे हैं। फूड ब्लॉगर की तरह मक्खन कितना सारा है, ठीक है, प्रॉपर स्टॉक है। अब मशहूर ऑमलेट खाया जा रहा है बड़े फील में। टेस्ट तो भी आया नहीं होगा, गर्म ही है। ना रहने दे कोई ना। अल्लू खली बन गया, खली मान गए, बहुत अच्छा है। माल है माल। मैं बिल्कुल बोर नहीं हूँ, मैं थक गया। थैंक्स तौहीद, आपने खाना खिलाया हमें और सारी जगह मैंने बताई आपको। नहीं, ये बात एकदम सही है। ये अभी वीडियो ख़त्म तो हो रही है लेकिन एंड नहीं हो रही। ये कह रहा है कि जामा मस्जिद के पास सारी चीज़ें से पता है। चलो अब कोई बात नहीं, अब इसको हम जामा मस्जिद लेके चलेंगे अगले हफ्ते और तब लौटेंगे हम आपके पास। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे हो, गुड नाइट, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब Yes, bye.